हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सर केशव बंसल एंड आज इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे। आज हम फिनेरिया को स्टडी करेंगे। फिनेरिया क्या है? ब्रायोफाइट है। अब तक हमने ब्रायोफाइट में थ्री क्लासेस देखी हैं, ठीक है, हिपेटिक कॉक्सिडा, एंथोसिरोटॉक्सिडा एंड ब्रायोप्स। तो थ्री थर्ड क्लास होते होते हैं ब्रायोप्सिडा, जो आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हिपेटिक कॉक्सिडा में लीवर वॉर्ट्स होते हैं, जैसे रिक्शा और मार्केशिया, ठीक है। देन हमने एंथोसिरोस को स्टडी किया था एंथोसिरोटॉक्सिडा में, जिसे हम हॉर्न वॉर्ट्स भी कहते हैं। और अभी जो थर्ड क्लास होती है ये होती है, और ये सबसे हाईली डेवलप्ड होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा। कॉमन नेम्स का क्या होता है? कॉमन नेम जानते हो आप? मॉसेस, ठीक है। ये ग्रीन मैट्स फॉर्म करती है, वॉल्स पर फॉर्म कर देगी, सॉइल्स पर फॉर्म कर देगी ग्रीन मैट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्या स्टडी करेंगे फिनेरिया के रिगार्डिंग? उसका सिस्टम है क्लासिफिकेशन, अकरेंस, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स की स्टडी, एंड देन रिप्रोडक्शन या फिर कहें लाइफ साइकिल, ठीक है। लास्ट में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे लाइफ साइकिल का। सो स्टार्ट करते हैं सिस्टम में क्लासिफिकेशन से। सो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले डिवीजन, ब्रायोफाइटा क्लास, ब्रायोप्सिडा यानी मॉसेस, मॉसेस, ऑर्डर फिनेरियल्स, फैमिली फिनेरिएसी, जीनस फिनेरिया, ठीक है। फिर फर्दर स्पीशीज़ होती हैं, जैसे हाइग्रोमेट्रिका स्पीशीज़ हम देखेंगे, इंडिया में मोस्ट कॉमनली ये पाई जाती है। फिर से देख लेते हैं एक बार, डिवीजन ब्रायोफाइटा क्लास ब्रायोप्सिडा ऑर्डर फिनेरियल्स फैमिली फिनेरिएसी जीनस फिनेरिया, क्लियर। अगर हम सर हैबिटेट की बात करें तो इसके अंदर थ्रू आउट दी वर्ल्ड 117 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कॉस्मोपोलिटन होता है, यानी सर्वव्यापी, सब जगह पाए जाने वाला, ठीक है। इंडिया में नियरली 15 स्पीशीज़ मिलती हैं। अगर बात करें मोस्ट कॉमनली कौन सी मिलती है, फिनेरिया हाइग्रो मेट्रिका, देखो ये फिगर भी उसका ही है, क्लियर। रॉक्स पर, वॉल्स पर, मॉइस्ट सॉइल पर ग्रो करता है ये, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो हमें पता है प्लांट बॉडी कैसी है, प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइटिक होती है, मेरी प्लांट बॉडी यानी हैप्लॉइड है। और इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में से फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट ग्रो करेगा, ठीक है, यानी जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। जैसे ये है जो ये फॉर्म होता है ना सीटा, ये स्पोरोफाइटराइज कर रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो ये इरेक्ट, इस क्या होता है कि प्रोस्ट्रेट सिस्टम में से, जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जमीन से अटैच्ड होता है, ठीक है, इसमें से क्या अराइज कर रहा है, ये इरेक्ट सिस्टम अराइज कर रहा है, ठीक है ना, इरेक्ट सिस्टम अराइज कर रहा है। और दो ब्रांचेस प्रेजेंट हैं इसके अंदर, एक मेल ब्रांच प्रेजेंट होगी गैमेटोफाइट की, ठीक है, गैमेटोफोर को, गैमेटोफाइट को एक ही बात है, और एक होगी फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच कैसी होती है? मेन ब्रांच होती है। मेल ब्रांच कैसी है? मेन ब्रांच है, जबकि फीमेल लेटरल ब्रांच है, ठीक है। और क्या होता है, फीमेल ब्रांच कई बार काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है, जैसे फिगर में शो भी हो रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जा रही है, ठीक है। ये रीजन तो ऊपर वाले स्पोरोफाइटिक रीजन है, हम तो यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ब्रांचेस हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको राइजॉइड्स मिल जाएंगे, रूट्स तो प्रेजेंट नहीं होती, राइजॉइड्स मिल जाएंगे, ठीक है, स्टेम मिल जाएगी, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, और लीव्स मिल जाएंगी इसमें से। लीव्स भी ऐसा है कि एपेक्स एपिकल रीजन पर लीव्स जो हैं काफ़ी क्राउडेड हैं, जबकि जो लोअर लीव्स हैं ये थोड़ी स्कैटर्ड फॉर्म है, ठीक है, और स्मॉल हैं, ठीक है। ये अपर लीव्स क्राउडेड हैं और लार्ज हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राइजॉइड्स किस में हेल्प करते हैं, राइजॉइड्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, किस में से, सॉइल में से, ठीक है। तो देखो राइजॉइड्स किस में हेल्प करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में से, सॉइल में से, और किसे प्रोवाइड करें न्यूट्रिशन, इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को। अब क्या होगा जब हम आगे पढ़ेंगे कि जब इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में से, जब इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में से ये स्पोरोफाइट अराइज करता है, ये स्पोरोफाइट, तो इस स्पोरोफाइट के तीन रीजन होते हैं, सीटा, कैप्सूल और फुट रीजन, ठीक है। ये ट्रायंगुलर रीजन था फुट, जिस फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है। अब ये जो फुट रीजन होता है, ये फुट रीजन भी अब्जॉर्प्शन काम करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स का। ये किससे अब्जॉर्प्शन लेता है? ये अब्जॉर्प्शन लेता है इस गैमेटोफाइटिक प्लांट से, ठीक है, क्लियर। रिजॉर्ट किससे ले रही है? सॉइल से ले रही है, क्लियर। सो यही है जो हमने स्टडी किया है, एक बार रीड ले लेते हैं। स्मॉल है, इरेक्ट है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। किससे राइज कर रही है? प्रोस्ट्रेट सिस्टम से राइज कर रही है, लाइक फिलामेंट प्रोटोनीमा, ठीक है। जो प्रोटोनीमा होता है हम स्टडी करेंगे कि जब हम देखेंगे
कि जो और ब्रायोफाइट्स हैं उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीधा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है मॉसिस के अंदर, और ये हम उसमें पूछ लेते हैं कि पहले प्रोटोनीमा फॉर्म होगा, ठीक है, प्रोटोनीमा फॉर्म होता है। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ये हम बाद में देखेंगे कौन सा कब बनता है। तो उस प्रोटोनीमा के बाद बनती है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। तो वही बता रखा है कि प्रोटोनीमा जो होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है सिस्टम, उसमें से फिर इरेक्ट सिस्टम जब वो डेवलप कर जाता है उसमें से इरेक्ट सिस्टम अराइज करता है, ठीक है। तो देख लिया हमने, और राइजॉइड्स फैमिली इसमें डिफ्रेंशिएटेड है, क्लियर। गैमेटोफाइटिक प्लांट को हम गैमेटोफोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो मेल गैमेटोफोर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियोफोर, और फीमेल गैमेटोफोर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी गलत बोल गया मैं, मेल गैमेटोफोर उसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर। और जो आर्चिगोनियोफोर होगा वो क्या होगा, फीमेल गैमेटोफोर, ठीक है। गैमेटोफोर फोर क्यों बोला हमने, क्योंकि क्या बियर कर रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स को बियर कर रहे हैं। तो मेल गैमेटोफोर यानी एंथ्रीडियोफोर क्या बियर करेगा, एंथ्रीडिया, और फीमेल गैमेटोफोर क्या बियर करेगा, जो जिसे हम आर्चिगोनियोफोर कह रहे हैं वो क्या बियर करेगा, आर्चिगोनियम, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे जब सेक्सुअल प्रोडक्शन को हम स्टडी करेंगे, ठीक। वो जो मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, राइजॉइड्स कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं, मल्टा सेलुलर हैं, थ्रेड लाइक हैं, सेप्टा कैसे होंगे, ऑब्लीक होके, ठीक है। अच्छा, अभी जो राइजॉइड्स होते हैं ना अर्ली स्टेजेस में हाईलाइन हो सकते हैं, फिर कहें कलरलेस हो सकते हैं, ठीक है, वाइट कलर के भी हो सकते हैं, और लेटर स्टेजेस में कैसे हो जाते हैं, ब्राउन या फिर पिंक कलर के। किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में, किसके, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। जबकि जो फूड रीजन होता है स्पोरोफाइट का वो लेता है गैमेटोफाइट से एब्जॉर्प्शन करता है फूड का, ठीक है। बाकी जैसे इसमें भी क्या है कि इसमें भी लाइट के एक्सपोजर की वजह से क्लोरोफिल डेवलप कर जाता है, तो ये क्या करता है, एसिमिलेशन करता है खुद के फूड का। क्लोरोफिल डेवलप हो गया तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खुद का फूड भी फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ऐसी जो फूड रीजन होता है, ठीक है, फूड रीजन एब्जॉर्प्शन जरूर कर रहा है, बट जो कैप्सूल में हमें कॉलुमेला रीजन वगैरह हो गया, क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है बहुत सारा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वे भी खुद एसिमिलेशन करते हैं। तो टोटली डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल, है ना, कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं है कि न्यूट्रिशन के लिए सॉइल से या फिर उससे, ठीक है। ये तो है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, बट जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो नहीं डिपेंडेंट हुई टोटली, ठीक है। बट पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कई बार। जो लीफ है, लीव्स कैसी होंगी, स्मॉल हैं, सेसाइल हैं, ओवेट, ब्राइट ग्रीन कलर एंड विद डिस्टिंक्ट मिड्रिब, बीच में डिस्टिंक्ट मिड्रिब प्रेजेंट होगा। हम स्टडी भी करेंगे कि डिस्टिंक्ट मिड्रिब रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, डेट ये लीफ हुई, हमने लीफ का सेक्शन लिया, अभी हम एनाटॉमी भी देखेंगे। तो बीच में क्या, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज तो प्रेजेंट होते नहीं ब्रायोफाइट्स में, है ना। तो ऐसे स्टेम के जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसका भी लीफ का भी, तो हम देखेंगे कि बीच में मिड्रिब रीजन प्रेजेंट है, ठीक है, मिड्रिब रीजन प्रेजेंट है इसमें लीफ में, ठीक है। और मिड्रिब में भी कौन सा रीजन प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्ट्रैंड क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर मिनरल्स का, ठीक है। ऐसे ही स्टेम में भी होगा, स्टेम से कंटिन्यू होगा जब ब्रांचेस फॉर्म में लीफ में, ठीक है, मिड्रिब रीजन में, एंड फिर ये फूड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपर लीव्स हैं, लोअर लीव्स हैं, अपर लीव्स कैसी हैं, साइज़ में काफ़ी लार्ज हैं, एपेक्स पर क्राउडेड है, ठीक है, बहुत सारी प्रेजेंट थी, जबकि जो लोअर लीव्स थी वे छोटी थी और स्कैटर्ड फॉर्म में थी इस टाइम में, हमने अभी ही देखा था। इस टाइम कैसे, इरेक्ट है, ग्रीन है, मोनोपोडल ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग दो टाइप की होती है, मोनोपोडल एंड सिम्पोडल। मोनोपोडल ब्रांचिंग में क्या होगा, जो सेंट्रल स्टेम है ना वही एज अ मेन स्टेम ग्रो करेगी, बाकी और लेटरल ब्रांचेस की तरह एक्ट करेंगी। सेंट्रल स्टेम मेन की तरह एक्ट करे, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ है उसमें, जबकि जो वो होती है क्या कहते हैं सिम्पोडल ब्रांचिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल स्टेम है, ठीक है, जो सेंट्रल ब्रांच है एक तरीके से, वो क्या करती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, जबकि जो लेटरल ब्रांचेस है वो एज अ मेन ब्रांच एक्ट करती है और उसके अंदर बहुत ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ, क्लियर। तो इसमें कौन सी है, मोनोपोडल ब्रांचिंग, क्लियर। ऐसी जो जिम्नोस्पर्म हमने स्टडी किए थे उसमें भी कौन सी होती है, मोनोपोडल ब्रांचिंग होती है। बात करते हैं एनाटॉमी की, लीफ की एनाटॉमी की बात करते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लेने पर हमें पता चला कि बीच में मिड्रिब रीजन प्रेजेंट है, उसमें से क्या निकल रहा है, विंग्स निकल रहे हैं।
इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे ये, और ये जो मिडरिब रीजन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सेंट्रल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ठीक है, जो कंडक्शन में हेल्प करता है वाटर मिनरल्स के, क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन की, तो आउटर एपिडर्मिस है जो सिंगल लेयर्ड होता है, कुछ जगह कभी कभी मल्टी लेयर्ड हो जाता है, बीच में कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट है, बहुत सारे मल्टी लेयर प्रेजेंट हैं कॉर्टेक्स रीजन की, और सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, सबसे सेंटर में वही सेंट्रल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, है ना। राइजॉइड सिस्टम में आएगा, स्टेम से इस मिडरिब रीजन में जाएगा, और मिडरिब से इन लीव्स में जाएगा, इन विंग रीजन में, ठीक है। देखो डिस्टिंक्ट मिडरिब भी प्रेजेंट है, लेटरल वेंस यहाँ भी नहीं है, ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म में लेटरल वेंस नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती, और कोई क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ज़ेरोफाइटिक कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, क्यूटिकल और स्टोमेटा नहीं होता इनके अंदर। और तो वही जो मैंने बता दिया, अब हम बात करते हैं हमारा सिस्टम में क्लासिफिकेशन हो गया, अक्रेंस एंड हैबिटेट देख लिया हमने, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सब स्टडी कर लिया, अब क्या रिमेनिंग रह गया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो मीन्स है इसमें, वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली। तो वेजिटेटिवली क्या कैसे होता है, मेन ध्यान रखना प्रोटोनीमा के थ्रू, ठीक है, जैसे मार्केशिया में मेनली किसके थ्रू था, मार्केशिया में गैमा फॉर्मेशन होता था, है ना, मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेनली प्रोटोनीमा है, अभी प्रोटोनीमा दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब क्या होगा, फिर सेक्सुअल प्रोडक्शन अगर हो गया, ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होने के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बना, ठीक है, अभी हम सारे स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कैप्स्यूल रीजन होता है, कैप्स्यूल के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये सीटा है, फुट तो नीचे है, ठीक है, फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल, जो कैप्स्यूल रीजन होता है इसमें एक स्पोर्स सैक प्रेजेंट होता है, उस स्पोर्स सैक के अंदर स्पोर्स फॉर्म होता है, और जब वे स्पोर्स फॉर्म हुए तो वापस से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैप्लॉयड बन गया, बिकॉज जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो मेन प्लांट बॉडी कैसे, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ठीक है, यानी हैप्लॉयड है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, डिप्लॉयड बनी, जायगोट बन गया ना गैमेट्स के फ्यूजन के बाद। अब जब स्पोर्स बने तो वापस हैप्लॉयड होगी, ठीक है। अब क्या होता है, स्पोर्ट्स डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं करते, लीवर वॉर्ट्स एंड हॉर्न वॉर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स डायरेक्टली जर्मिनेट करने के बाद गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, फिर कहें मॉसिस की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स से पहले प्रोटोनीमा स्टेज बनेगी, ठीक है। अगर अब ये स्पोर्स से प्रोटोनीमा बन रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब ये न्यू मॉस प्लांट फॉर्म कर देंगे, ठीक है, न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट फॉर्म कर देंगे। अब और अगर ये प्रोटोनीमा बनते हैं किसी भी अदर पार्ट से, जैसे लीफ हो गया, स्टेम एंथ्रीडियम पैराफाइसिस, या फिर एक्सपोज राइजॉइड्स हो गए, ठीक है, इनसे डेवलप कर जाते हैं कई बार, तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, क्लियर। सो प्राइमरी प्रोटोनीमा हो गया, सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो गया। अब हम बात करते हैं गैमा की। अब क्या होता है, मेन तो मार्केशियम में होता है गैमा के थ्रू, बट यहाँ भी गैमा फॉर्म हो जाते हैं, तो मल्टी सेलुलर गैमा फॉर्म होंगे, पता है, एपाइसिस पर फॉर्म होते हैं, ठीक है, और कई बार ये गैमा किस पर भी प्रोड्यूस हो जाता है, राइजॉइड्स पर भी प्रोड्यूस हो जाता है इनके अंदर, ठीक है, बट मेन क्या है, मेन प्रोटोनीमा ही होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। साथ में क्या होता है, ये जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है जिससे इरेक्ट सिस्टम राइज करता है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम क्या है, राइजॉइड वाला सिस्टम है ना, तो क्या होता है, मान लो ये राइजॉइड्स हैं, ये राइजॉइड्स हैं, तो इस राइजॉइड से क्या निकल रही है, ये इरेक्ट सिस्टम निकल रहा है ना, इरेक्ट सिस्टम निकल रहा है। तो अब अगर ये राइजॉइड्स डिग्रेड कर जाएंगी, डिजनरेट कर जाएंगी, तो अब क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये इरेक्ट सिस्टम सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने पर ये क्या फॉर्म करेंगे, इंडिपेंडेंट मॉस प्लांट की तरह एक्ट करेंगे ना, तो ये भी एक तरीका होता है। फिर एक तरीका होता है एपोस्पोरी का, इसके अंदर क्या होता है, अब स्पोरोफाइट जो होता है ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो जिसमें फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें कई बार घाव हो जाता है, वाउंड हो जाता है, उस वाउंड से प्रोटोनीमा राइज करता है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ चक्कर हुआ कि जो स्पोरोफाइटिक, बिकॉज स्पोरोफाइटिक टिश्यू है तो वो डिप्लॉयड है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तरीके से मियोसिस होएगा, ठीक है, मियोसिस होएगा तभी तो ये प्रोटोनीमा फॉर्म होएगा, क्योंकि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनानी है मेनली, है ना, तो स्पोर्स जब फॉर्म होते हैं तब तो गैमेटोफाइटिक ही होता है, क्योंकि स्पोर्स में मियोसिस बने होके बनाए, और जो और लीव्स वगैरह पार्ट है राइजॉइड, जिसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा था, वो ऑलरेडी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है ना, तो यहाँ भी अगर इस तरीके से एपोस्पोरी के थ्रू, तो वापस से गैमेटोफाइटिक स्टेज रिस्टोर की जाएगी, ठीक है, तो इसमें से प्रोटोनीमा निकलेंगे, और
वे एक न्यू प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक मॉस की प्लांट बॉडी फॉर्म कर देंगे। ठीक है, फिर बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, ओगैमस टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। अब क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पर प्रोड्यूस होता है, तो हमने देख लिया फिगर के अंदर। ठीक है, मोनोशियस, इसे मोनोशियस कहते हैं, डायोशियस अगर डिफरेंट प्लांट बॉडी पर फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पर मोनोशियस है। और साथ में एक नई टर्म है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोइशियस, यानी जैसे हमने फिगर में देखा कि एक ही ब्रांच पर प्रेजेंट नहीं है, मेल ब्रांच अलग है ना, और फीमेल ब्रांच अलग है। ठीक है, तो जब ये दो सेपरेट ब्रांच पर फॉर्म हो रहे हैं एक प्लांट में होने के बावजूद, तो इस एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोइशियस, क्लियर। मेल जो मेल शूट है वो कैसी है, मेन शूट है यानी, और जबकि फीमेल ब्रांच कैसी है, वो एक लेटरल शूट है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो फीमेल शूट होती है वो काफ़ी ग्रो कर जाती है लेंथ में, जैसे हमने फिगर में भी देखा है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका की फिगर जो सबसे पहले देखी थी। ठीक है, और जो मेल क्या कहते हैं, मेल शूटर्स हम कहते हैं मेल गैमेटोफोर यानी एंथ्रीडियोफोर, फीमेल शूट को हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर, बिकॉज गोनियोफोर क्यों कह रहे हैं दोनों को, बिकॉज वे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडी एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया को बियर करेंगे। ठीक है, इसलिए अब क्या होगा, उस जो एंथ्रीडियम की बात करते हैं यानी मेल सेक्स ऑर्गन की, तो इसमें शॉर्ट स्टॉक होगी। ठीक है, स्टॉक प्रेजेंट होगी, और क्या प्रेजेंट होगा, मेन ये मेन बॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये मेन बॉडी किससे बनी है, एंड्रोसाइट से बनी है। ठीक है, ये एंड्रोसाइट्स हम देखेंगे आगे जाके एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म करेंगे, और ये किससे सराउंडेड होगी, मेन बॉडी सराउंडेड होगी जैकेट की जैकेट सेल्स से, स्टराइल जैकेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये डिहाइसेंस हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये एंड्रोसाइट्स का मास बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर कहाँ आ जाएगा, अब ये स्टॉक से क्या होता है, अटैच्ड होता है इस एंथ्रीडियोफोर में, यहाँ पर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हम फिगर में भी देखेंगे। जैसे पेरिकीटियल लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये पेरिकीटियल लीव्स हैं, ये एंथ्रीडियोफोर है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, ये पैराफाइसिस प्रेजेंट है, पैराफाइसिस। ठीक है, ये पैराफाइसिस प्रेजेंट होंगे साथ में, ये पैराफाइसिस प्रेजेंट है, पेरिकीटियल लीव्स प्रेजेंट हैं, और ये हमारा जैकेट सेल हो गया, बीच में एंड्रोसाइट्स हैं प्रेजेंट बहुत सारे। ठीक है, और स्टॉक है। अब क्या होता है, जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर क्या करता है, ये पेरिकीटियल लीव की वजह से यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, रेन वाटर क्या कर जाएगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा पेरिकीटियल लीव्स की वजह से। ठीक है, कपलेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया इन्होंने। अब क्या होगा, इसका डिहाइसेंस के बाद, ये जो स्पोर्ट्स बाहर आ जाएंगे, मतलब ये जो एंड्रोसाइट्स का मास है बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड्रोसाइट्स का जो मास है ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद इसमें जब एंड्रोसाइट्स का मास इस रेन वाटर में घुला होगा, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे स्पोर्ट्स के लिए ना, ये मास क्या कर जाएगा, इस एंड्रोसाइट का मास ये लिब्रेट होकर सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, और क्या फॉर्म कर लेगा, बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है, ये आपको मैं पहले फिगर में शो कर दूँ, देखो ये पेरिकीटियल लीव्स हैं, ठीक है, और ये एंथ्रीडियोफोर, ये पैराफाइसिस। ठीक है, यहाँ पर वाटर स्टोर हो जाता है, वाटर स्टोर होने के बाद जब ये ब्रेक होता है इस जैकेट सेल का, तो एंड्रोसाइट्स का मास बाहर आ जाएगा इस वाटर में, और लिब्रेट हो जाएगा एंड्रोसाइट का मास किस में, मोटाइल बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रेजॉइड्स में, क्लियर। बिकॉज ये क्या है, एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के, तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर असेंशियल होता है, तो यहाँ पर वाटर का रोल आता है। ठीक है, इसी वाटर के थ्रू ये उसी वाटर में तैर कर ये दूसरी जो फीमेल ब्रांच होती है वहाँ के आर्चिगोनिया, अभी हम स्टडी करते हैं आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आर्चिगोनिया में क्या होता है, आर्चिगोनिया एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये ऊपर कवर सेल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कवर सेल्स प्रेजेंट है। फिर ये नेक रीजन प्रेजेंट है, ये है नेक रीजन, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, नेक सेल्स प्रेजेंट होंगे, नेक कैनाल सेल्स। ठीक है, नेक रीजन है, और फिर क्या होता है, वेंटर रीजन प्रेजेंट होता है। अब इस वेंटर रीजन के अंदर सबसे पहले एग प्रेजेंट होगा, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होंगे,
ये वेंटर सेल्स प्रेजेंट होंगे, वेंटर केनाल सेल्स कह दो आप, ठीक है। अब क्या होता है, लैटी एंथ्रेसॉइड्स आ गया, लैटी एंथ्रेसॉइड्स आ गए, ठीक है, बहुत सारे एंथ्रेसॉइड्स आ गए, फर्टिलाइज तो एक ही करेगा, क्लियर। तो अब क्या होता है, अब ये इस एग तक पहुँचेंगे कैसे, जब यहाँ पर ये सारा रास्ता रोका हुआ है कवर सेल्स ने, नेक कैनाल सेल्स ने, वेंट्रो कैनाल सेल्स ने, तो यहाँ पर भी वाटर का रोल आता है। ये क्या करेंगे, सब स्ट्रक्चर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कवर सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, वेंट्रो कैनाल सेल्स, और एक म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। अभी जब म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बाद में डिजेनरेट कर जाएंगे। अब डिजेनरेट कर गए तो क्या हुआ, अब ये पैसेज फॉर्म हो गया डिजेनरेट करने पर, इनके अब इनके डिजेनरेट करने पर ये पैसेज फॉर्म हो गया। इस पैसेज के थ्रू ये एंथ्रेजॉइड्स जो हैं ये खुशी खुशी यहाँ पर आ जाएंगे, और एक एंथ्रेजॉइड्स, एक लकी एंथ्रेजॉइड किसे फर्टिलाइज कर देगा, इस एग को फर्टिलाइज कर देगा। एग को फर्टिलाइज होने करने के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है जी। एग को फर्टिलाइज करने के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, क्लियर। जब ये सब कहानी लिखी है इसके अंदर, तो जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, अब क्या होता है, जाइगोट से अब हम, जब ये जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जाइगोट को हम ओस्फोर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। एगो को हम ओ स्फेयर भी कह देते हैं, ठीक है, जबकि जाइगोट को हम क्या कहते हैं, ओस्पोर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत करना। जब जाइगोट हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, ठीक है। अब उस एम्ब्रियो में क्या हुआ, एक्चुअली उसे हम स्पोरोफाइट कह देते हैं, बिकॉज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म हो गई ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जाइगोट अपने अराउंड एक वॉल सिक्रीट करेगा, वो वॉल सिक्रीट करने के बाद डिवीजन शुरू करेगा, एपिबेसल सेल और हाइपरबेसल सेल, ठीक है। अब क्या होता है, जो सीटा होता है, फुट है, फुट रीजन है नीचे वाला, ठीक है, फुट रीजन, धनी सीटा रीजन है, सीटा रीजन है, ठीक है। देन होता है कैप्स्यूल रीजन, ठीक है, कैप्स्यूल रीजन। तो क्या होता है, जो एपिबेसल सेल होता है, ये एपिबेसल सेल क्या फॉर्म करेगा, तो कैप्स्यूल फॉर्म करेगा। ये एपिबेसल सेल क्या फॉर्म करेगा, एपिबेसल सेल कैप्स्यूल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और कुछ पार्ट इस सीटा का फॉर्म कर रहा है, अपर पार्ट। जबकि जो हाइपोबेसल रीजन होगा, जो हाइपोबेसल रीजन है, वो क्या फॉर्म करेगा, हाइपोबेसल रीजन फॉर्म करेगा लोअर पार्ट ऑफ सीटा एंड फुट को, ठीक है। जो जाइगोट था, उसने अपने अराउंड एक वॉल सिक्रिएट करी, स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, जाइगोट ने अपना अराउंड एक वॉल सिक्रिएट करी, ठीक है। अभी स्पोरोफाइट डेवलप कर रहा है, तो वॉल सिक्रिएट करी, एपिबेसल सेल में डिवाइड हुआ और हाइपोबेसल सेल में डिवाइड हुआ। एपिबेसल सेल ने कैप्सूल फॉर्म किया और अपर पार्ट ऑफ सीटा, जबकि हाइपोबेसल सेल ने क्या फॉर्म करा, हाइपोबेसल सेल ने लोअर पार्ट ऑफ सीटा फॉर्म किया एंड फुट फॉर्म किया, क्लियर। जो अब जब ये इसका डिवीजन भी होता है, स्पेसिफिकली माउथ नहीं है, बट सेंट्रल रीजन को हम क्या कह देते हैं, एंडोथीसियम, एंड जो आउटर सेल्स होंगे इसमें, उसे हम क्या कह देंगे, स्पेशली कॉलोमेलर रीजन में से कह देंगे हम, क्योंकि उस वक्त डेवलप कर रहा होगा, ठीक है, उस वक्त डेवलप कर रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे एम्फीथीसियम, ठीक है, आउटर रीजन को, जिससे कैप्सूल वॉल वगैरह सब डेवलप करता है, एम्फीथीसियम। और जैसे एक तरह से कॉलोमेलर रीजन डेवलप करता है सेंट्रल वाला, उसे हम कहते हैं एंडोथीसियम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी जब डेवलप कर गया, डेवलप करने के बाद इस स्पोरोफाइट को, या फिर जिसे हम स्पोरोगोनियम कह रहे हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ तक हमने बात कर ली, तो जो स्पोरोफाइट है ना, मैच्योर स्पोरोफाइट में जो हमने फूड सीटा कैप्सूल की बात करी, ये मैच्योर स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम है, यही वो कैप्सूल सीटा और ये सब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मतलब एक तरह से ये बात है कि जो एपिबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल हुए, यही एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम फॉर्म करेंगे, है ना। फिर ये एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम जो है, ये फुट एंड सीट फुट सीटा कैप्सूल पार्ट ये सब फॉर्म करता है। जैसे आप कुछ में पहचान कर सकते हैं, एंडोथीसियम से कॉलोमेलर रीजन बनता है ना, सेंट्रल रीजन जो होता है, अभी हम कैप्सूल में स्टडी करेंगे। और जो कैप्सूल की वॉल वगैरह सब होता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, क्लोरेनकाइमा क्लियर, ये सब किससे फॉर्म होगा, एम्फीथीसियम से फॉर्म होगा, ठीक है। सब हम बात करते हैं मैच्योर स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की, तो उसमें थ्री रीजन्स में डिवाइड किया हमने, फुट सीट एंड कैप्सूल। फुट रीजन कैसा है, कॉनिकल स्ट्रक्चर है, क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, किससे, गैमेटोफाइट, जिसे हमने पहले भी बताया था आपको, है ना। और क्योंकि शुरुआत में ये यहीं से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, बाद में जो ये स्पोरोफाइट होता है, इसके अंदर भी
क्लोरोफिल डेवलप कर जाता है, जैसे क्लोरेनकाइमा पढ़ेंगे अभी, क्लोरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है कैप्सुलेशन के अंदर, तो वहाँ पर डेवलप कर जाता है फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी, तो ये खुद भी एसिमिलेशन करते हैं फूड का, ठीक है। तो कहना कि मतलब खुद पर भी डिपेंड होता है, कम्प्लीटली गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होते, इनिशियल स्टेजेस में होते हैं बस, ठीक है। अभी सीटा होता है, जो सीटा होती है ये इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है ना, फुट के थ्रू तो गैमेटोफोर से अटैच्ड है, ठीक है। और ये जो लंबा रीजन है सीटा है, ठीक है, उसके ऊपर ही कैप्सूल रीजन है सारा। तो सीटा कैसा है, इलॉन्गेटेड है, सिलेंडर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इट बियर्स द कैप्सुलेटेड एपिकल एंड, क्योंकि बेसल पे क्या है, फुट रीजन है, ठीक है। मेन फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन इसका है मैकेनिकल फंक्शन, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, बाकी कुछ कंडक्शन में भी हेल्प कर देते हैं, बिकॉज जो फुट रीजन होगा, ठीक है, फुट वहाँ से अब्जॉर्ब करेगा गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन, और अब्जॉर्ब करने के बाद सीटा तो बीच बीच में सीटा ही है ना, कैप्सूल तक कैसे पहुँचेगा, सीटा के थ्रू तो पहुँचेगा, तो कुछ पार्ट कंडक्शन का भी है, बट मेन फंक्शन मैकेनिकल है इसका, क्योंकि जब उस कैप्सूल अपना फूड बनाने लगेगा तो उसे थोड़ा कम ज़रूरत होगी, जो गैमेटोफाइट से वो खाना ले रहा है। कैप्सूल की बात करेंगे तो पियर शेप्ड होता है कैप्सूल, ठीक है, पियर शेप्ड कैप्सूल होगा। अब इस कैप्सूल में भी क्या होता है, ऊपर वाला रीजन थीका होता है और नीचे वाला रीजन क्या होता है, एपोफाइसिस होता है, ठीक है। फिगर में देखते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखो ये है सीटा, सीटा रीजन, ठीक, अगर नीचे उससे टाइम कंटिन्यू होता, और ये ऊपर क्या, पियर शेप्ड कैप्सूल, ठीक है। अब इस कैप्सूल में ऊपर वाला रीजन क्या है, थीका, नीचे वाला रीजन है एपोफाइसिस, यह थीका यह है एपोफाइसिस। तो क्या होता है कि जो एपोफाइसिस रीजन होता है, ठीक है, वो सीटा से अटैच्ड होता है, ठीक है। एपोफाइसिस रीजन किससे अटैच होगा, सीटा से। और इनकी आउटर वॉल क्या होगी, इनकी आउटर वॉल क्या होती है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। आउटर वॉल होगी एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, एंड हाइपोडर्मिस के बाद क्लोरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये क्लोरेनकाइमा जो टिश्यू है ये थीका रीजन में उतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट नहीं है, बट जो नीचे जो ये सारा एपोफाइसिस वाला रीजन है, इसके अंदर काफ़ी लेयर्स की प्रेजेंट होती है थीका, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी लेयर्स की एपोथीका प्रेजेंट है, सॉरी क्लोरेनकाइमा के टिश्यूज़ में, है ना, क्लोरेनकाइमा के जो टिश्यूज़ हैं ये थीका रीजन में तो कम है, ठीक है। एपोफाइसिस रीजन में काफ़ी सारे लेयर्स के होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस क्लोरेनकाइमा की जो टिश्यू है इसके बीनीथ, यानी बीनीथ मतलब, क्योंकि बाहर से देखें तो ये अंदर की साइड बता रहा है ना, इसके बीनीथ, इस लेयर के नीचे क्या प्रेजेंट है, इस लेयर के नीचे ये एयर स्पेस प्रेजेंट है, इस लेयर के नीचे क्या प्रेजेंट है, ये एयर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो एयर स्पेस है ये इस स्पेस के अंदर, ये किससे आर पार क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पासेज कर रहे हैं, इसके अंदर से ये कर रहे हैं ट्रबैक्यूले, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एयर स्पेस है दे आर ट्रेवर्स्ड बाय, ठीक है, इससे आर पार कौन जा रहे हैं, ट्रबैकुले जा रहे हैं, ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर। और ये किसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक तरीके से इस क्लोरेनकाइमेटस रीजन को और इस स्पोर रीजन को, ठीक है, इसे कहते हैं स्पोर सैक, स्पोर सैक, ठीक है। बीच में क्या प्रेजेंट है, कॉलियोमेला रीजन प्रेजेंट है बीच में, जेंडोथीसियम फॉर्म करता है। और जो स्पोर सैक रीजन होगा, मेन हमारे स्पोर सैक रीजन से लेना देना है, स्पोर सैक रीजन के अंदर क्या फॉर्म होते हैं, इस रीजन के अंदर ही स्पोर्स फॉर्म होंगे। पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उससे क्या फॉर्म होता है, स्पोर्स फॉर्म होता है मियोसिस के थ्रू, ठीक है। फिर अब क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर ये टोपी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ऑपरकुलम। अभी ऑपरकुलम क्या कर जाता है, जब मैच्योर कर जाएगा स्पोरोफाइट तो क्या कर जाएगा, ये ऑपरकुलम हट जाएगा, ठीक है, ऑपरकुलम हट जाएगा, ये टोपी हट जाएगी। ये टोपी हटने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेरिस्टोमल टीथ, ये प्रेजेंट होते हैं पेरिस्टोमल टीथ। अब जो पेरिस्टोमल टीथ, अभी टोपी हट गई, ठीक है, तो सबसे आउटर में क्या है, ये एन्यूलस रीजन, ठीक है, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ये पेरिस्टोमल टीथ, आउटर पेरिस्टोमल टीथ एंड इनर पेरिस्टोमल टीथ, ये, ठीक है, रीजन क्लियर। तो इसकी वजह से ये टीथ बाहर की तरफ आ जाते हैं, टीथ इसमें तो ऐसे दिख रहे हैं, बट ये टीथ कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे मान लो ये टोपी हट गई, ओपरकुलम, ठीक है, ओपरकुलम हट गया, पेरिस्टोम ये रीजन मतलब एक्सपोज हो गया, सबसे आउटर में एनुलस प्रेजेंट है, ठीक है, एनुलस ब्रेक कर गया, ओपरकुलम एक्सपोज मतलब डिटैच कर गया इससे कैप्सूल से,
और फिर जो पेरिस्टोम टीथ हैं ये बाहर आ जाते हैं, आउटवर्ड आ जाते हैं, और ये स्पोर्स के डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे सीटा भी हेल्प करता है डिस्पर्जन में, दोनों हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, पेरिस्टोम भी और सीटा भी। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जैसे ये तो आउटवर्ड आ जाएंगे इसकी वजह से स्पोर्स का डिस्पर्जल हो जाएगा। सीटा भी क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अनट्विस्ट हो जाएंगे और स्विंग करेंगे। स्विंग करने में जब भी हिलेगा, स्विंग करेगा, तो ये स्पोर्स और ज़्यादा डिस्पर्जल होंगे ना, ये भी स्विंग करेगा सारा स्ट्रक्चर। क्लियर, जब ये स्पोर्स स्विंग कर जाते हैं, तो स्विंग करने के बाद क्या होता है, स्पोर्ट्स का डिस्पर्जल होगा। ठीक है, डिस्पर्जल होगा, अभी जाके किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पे बैठेंगे। ठीक है, और जर्मिनेट करेंगे प्रोटोनियमा में। ठीक है, कौन सा प्रोटोनियमा, प्राइमरी प्रोटोनियमा, और प्राइमरी प्रोटोनियमा फॉर्म करने के बाद न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम ये जो सारा हमने फिगर के थ्रू देखा है इसकी एक बार रीड ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर थे, हमने फुट देख लिया, सीटा देख लिया, कैप्सूल देख लिया था। ठीक है, हमने कहा था कैप्सूल पियर शेप्ड है, और दो रीजन है इसके अंदर, थीका रीजन है और एपोफाइसिस रीजन है। ठीक है, एपोफाइसिस रीजन नीचे वाला रीजन था है ना, जो किससे अटैच, जो सीटा से अटैच था, एक्सपेंडेड पोर्शन। क्लियर, इसके इसमें क्या होता है, क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा था। ठीक है, मल्टा लेयर्ड कफ सेल लेयर्स की क्लोरेनकाइमेटस प्रेजेंट था, तो इसीलिए कह रहे हैं एसिमिलेटरी रीजन है, तो ये सेल्फ सफिशियंट भी न्यूट्रिशन के लिए कुछ एक्सटेंट तक। बाकी तो फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर सीटा उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को ला ही रहा है कैप्सूल तक। जो थीका है ना, थीका में कैफ साइड लेयर्स का है, थीका है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस थी, उसके बाद हाइपोडर्मिस की लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, हाइपोडर्मिस के सेल्स कलरलेस होंगे, हाइपोडर्मिस के बाद क्लोरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ये क्लोरेनकाइमा टिश्यू सिर्फ कुछ लेयर्स का है थीका रीजन में, बट काफ़ी सारे लेयर्स का है एपोफाइसिस वाले रीजन में, है ना, और इसके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट है। इस बेसिस पर हमने ऊपर क्या कहा है कि एसिमिलेटरी का एसिमिलेशन का काम करता है। ठीक है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, और इस क्लोरेनकाइमेटस रीजन के नीचे क्या प्रेजेंट थी, ये एयर स्पेस प्रेजेंट है ना, ये एयर स्पेस प्रेजेंट है इसके नीचे ये, और इस एयर स्पेस में क्या प्रेजेंट है, ये दिस एयर स्पेस इज ट्रैवर्स्ड बाय ट्रैबेक्यूला। ठीक है, ट्रैबेक्यूला के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस क्लोरेनकाइमेटस रीजन को और इस स्पोर्ट्स या क्वाल रीजन को। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, लिखा है देखो, द कनेक्ट क्लोरेनकाइमेटस एयर किससे, आउटर स्पोक्स, आउटर स्पोर्ट सैक को और क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू को, है ना, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन, ट्रैबेक्यूला। अब हमने कहा कि जो सेंट्रल रीजन है ये क्या है, सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन ये वाला है पिथ रीजन, सॉरी पिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनकाइमेटस, इसे हम कहते हैं कॉल्यूमेला। क्लियर, ये क्या है, इट इज़ कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग स्ट्रैंड ऑफ द एपोफाइसिस। तो देखो ये एपोफाइसिस रीजन है, ये एपोफाइसिस रीजन है, ये कॉल्यूमेला है, तो ये किससे कनेक्टेड है, एपोफाइसिस रीजन है ना, और वो पर्पल से कॉल्यूमेला, ये बीच में ये इस कंडक्टिंग स्ट्रैंड से कनेक्टेड है ना, तो जो भी सारा न्यूट्रिशन ये है कॉल्यूमेला में जा रहा है। ठीक है, कॉल्यूमेला किससे सराउंडेड है, कॉल्यूमेला सराउंडेड है इस स्पोर्स सैक से, जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, पहले स्पोर मदर सेल फॉर्म होगा, स्पोर मदर सेल फॉर्म होने के बाद स्पोर्स सैक के अंदर क्या फॉर्म होगा, मियोसिस होने पर स्पोर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, जब डिहाइसेंस की बारी आती है तो क्या होता है, जो ऑपरकुलम ऊपर टोपी प्रेजेंट होती है, ठीक है, वही लिखा है इसके अंदर, अपर रीजन किससे कंसिस्ट होगा, ऑपरकुलम से। ठीक है, ये ऑपरकुलम होता है। ठीक है, और ये और क्या प्रेजेंट होता है, पेरिस्टोम, पेरिस्टोमल टीथ प्रेजेंट होते हैं आउटर और इनर। ठीक है, आउटर इनर पेरिस्टोमल टीथ होते हैं सिक्स, और हर एक सेट के अंदर 16 होते हैं इनकर्व्ड ट्रायंगुलर टीथ, जैसे इस फिगर में शो किया गया है। ठीक है, थोड़े कर्व्ड नेचर के हैं, आउटर वाले बड़े होते हैं, इनर वाले छोटे होते हैं। ठीक है, डिहाइसेंस पर क्या होगा, अच्छा ये वाली बात भी, आउटर पेरिस्टोमल टीथ रेड हैं और इनर वाले कलरलेस होंगे। ठीक है, इनर वाले शॉर्ट हैं जैसे मैंने बताया, और आउटर लॉन्ग है। डिहाइसेंस का, कैप्सूल का डिहाइसेंस होगा तो क्या होगा, कि ड्राई हो जाएंगे कैप्सूल, और जो कॉल्यूमेला की आउटर लेयर है वो क्या कर जाएगी, कॉल्यूमेला और जो आउटर लेयर है कैप्सूल की, वो क्या कर जाएगी, ड्राई कर जाएगी, क्योंकि मैचुरेशन पर ड्राई हो जाता है स्पोरोफाइट, तो क्या होगा, ये वाटर लूज कर देंगे तो श्रिंक करेंगे, है ना, सिकुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, जो स्पोर सैक है, दैट वे स्पोर सैक क्या होगा, वो
टियर कर जाएगा ना, फट जाएगी उसके लिए, ठीक है, जब खिंचाव पैदा होगा, तो उस वजह से क्या हुआ, एनुलस भी ब्रेक कर गया ऊपर का, ठीक है, बिकॉज कैप्सूल का तो स्ट्रक्चर है, जब कैप्सूल की वॉल भी स्ट्रेच करेगी, श्रिंक करेगी, तो वो एनुलस रीजन ब्रेक कर जाएगा, एनुलस ब्रेक करेगा, इसकी वजह से ऑपरकुलम डिटैच कर गया, डिटैच कर गया तो क्या हुआ, पेरिस्टोमल टीथ जो कवर्ड था ऑपरकुलम से वो आउटर साइड आ गए, और आउटर साइड आने पर ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, स्पोर्स के डिस्पर्जल में हेल्प किया, साथ में जैसे मैंने आपको बताया सीटा भी कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, तो ये वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, वेट हो जाएगा, अनट्विस्टेड हो जाएगा, अब ये सीटा जब ऐसे, जब ये अनट्विस्ट होगा तो ये स्विंग करेगा, जब ये स्विंग करेगा तो इससे जो कैप्सूल अटैच्ड है वो भी स्विंग करेगा, और यहाँ पर तो इस वक्त क्या है, अपरकुलम तो है नहीं, तो यहाँ से ये स्पोर्स जो पहले से डिस्पर्स हो रहे थे अब वो जब डिस्पर्स हो जाएंगे, जब ये कैप्सूल हिलेगा बार बार, है ना, सीटा की वजह से, तो कुछ पार्ट मतलब, तो इसके डिस्पर्जन में मेन तो याद रखना पेरिस्टोमल टीथ का ही वो है रीजन इसका डिस्पर्जल का, ठीक है, बट थोड़ा सा काम सीटा भी कर देता है, ठीक है, सीटा भी इसमें एजिस्ट करता है इसके डिस्पर्जन में, डिस्पर्जल हो गया, जर्मिनेशन हो गया स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स का जर्मिनेशन जब हुआ तो पहले स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, टू लेयर स्ट्रक्चर यानी बायलेयर्ड है, आउटर लेयर एक्सोस्पोरियम होगी, कलर्ड होगी, स्मूथ होगी, जबकि इनर लेयर कैसी है, कलरलेस है, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं एंडोस्पोरियम। स्पोर्ट्स के अंदर वही कुछ चीज़ें स्टोर होंगी, न्यूक्लियस तो हो गई, फूड थोड़ा सा स्टोर होगा ऑलिगोलोब्यूल्स की फॉर्म में, साथ में क्लोरोप्लास्ट भी होगा, जर्मिनेशन होने पर क्या फॉर्म करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी प्रोटोनियमा ना कि सेकेंडरी प्रोटोनियमा, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनियमा फॉर्म किया और फिर वो क्या फॉर्म कर देगा, गैमेटोफाइटिक थैलस, और ये किस में होता है, सिर्फ मॉसिस में होता है, लिवर वॉट्स और हॉर्न वॉट्स में नहीं होता, ठीक है। तो ये बार हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं लाइफ साइकिल की, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि जैसे ये प्लांट बॉडी है तो वेजिटेटिवली बाय डेथ एंड डिके ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनियमा एंड देन बाय गैमा फॉर्मेशन, वेजिटेटिवली हमने स्टडी किया था, फिर हमने देखा कि सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एंथ्रीडियो फोर, ठीक है, गैमेटोफाइट का वो वाला पार्ट जो मेल ब्रांच बियर कर रहा था, हमने उसे कहा मेल सेक्स ऑर्गन बियर कर रहा है, ठीक है, हमने कहा एंथ्रीडियो फोर, ठीक है, उस गैमेटो फोर को, और जो फीमेल गैमेटो फोर है उसे हमने कहा आर्चिगोनियो फोर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर कर रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, ठीक है, एंथ्रीडियम में क्या फॉर्म हुए, एंड्रोसाइट्स फॉर्म हुए थे, है ना, और फिर एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म, एंथ्रोजॉइड्स जब लिब्रेट हो गए रेन वाटर में, एंड्रोसाइट का मास जब लिब्रेट डिस्पर्स्ड हुआ और वे मास अलग अलग हुए तो क्या फॉर्म किया था, मोटाइल बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म किए थे जो हमने स्टडी किया है ना, और आर्चिगोनियम तो हमें पता है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो उसमें नेक है, नेक कैनाल सेल्स होंगे, वेंटर में एग सेल और वेंटर कैनाल सेल्स होंगे, वेंटर सेल्स और नेक सेल्स डिसइंटीग्रेट कर गए, ठीक है, और कवर सेल्स भी डिसइंटीग्रेट करेगा तो पैसेज फॉर्म हो गया, अब एंथ्रोजॉइड्स आकर एग को फर्टिलाइज कर देंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ने एम्ब्रियो, ये अब स्पोरोफाइटिक स्टेज ही आ गई जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड कर गई, ठीक है, तो स्पोरोफाइट ही है जिसमें हमने क्या मैच्योर स्पोरोफाइट का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, कैप्स्यूल सीटा फुट, ठीक है, अब उसमें आर्किस्पोरियम शब्द कहाँ है, आर्किस्पोरियम क्या होता है, ये डेवलपमेंट में होता है, ठीक है, जो स्पोर मदर सेल होता है ना वो आर्किस्पोरियम से ही बनता है, आर्किस्पोरियम से स्पोर मदर सेल या फिर कहें स्पोरोजेनस टिश्यू बना, और फिर स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बने, ठीक है, स्पोर टेट्राड बना, फिर टेट्राड से लिबरेट हो गए, स्पोर्स बन गए, अलग अलग हो गए चार स्पोर्स, तो जैसे ही ये मियोसिस होता है तो वापस से गैमेटोफाइटिक स्टेज रिस्टोर हो जाती है, ठीक है, स्पोर्स बने, स्पोर्स ने ये इंपॉर्टेंट है क्या बना, प्राइमरी प्रोटोनियमा, ठीक है, और जब जर्मिनेट किया उसने क्या फॉर्म कर लिया, फिनेरिया के गैमेटोफाइट फॉर्म कर लिया इसे, ठीक है, यानी न्यू मॉस प्लांट फॉर्म कर लिया, क्लियर, तो यहाँ पर जो आपका फिनेरिया है वो कंप्लीट हुआ, क्लियर, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ, इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ, सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।